अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? चलिए आज मैं आप लोगों को शाही पनीर बनाने की रेसिपी दिखाती हूँ, जिसके इंग्रेडिएंट्स हैं 250 ग्राम पनीर लिया है, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, उसमें 15 काजू और 2 से 3 हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उसका पेस्ट बना लिया है। मसालों में 1 टेबल स्पून गरम मसाला लिया है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून नमक लिया है। नमक और मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ मैंने दही ली है 2 टेबल स्पून, और यहाँ मैंने 3 से 4 टेबल स्पून दूध के ऊपर जमी हुई मलाई ली है। आप इसमें फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, और 1 कप दूध लिया है। शाही पनीर बनाने के लिए दूध भी यूज़ हो सकता है और पानी भी, बट मैं इसको दूध में बनाऊंगी जिससे इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। और 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, 4 से 5 लौंग ली हैं, 10 मैंने काली मिर्च ली हैं, 1 बड़ी इलायची ली है, 1 तेज़पत्ता लिया है और 4 से 5 छोटी इलायची ली है, और यहाँ 2 टेबल स्पून घी लिया है। मैं इसको देसी घी में बनाऊंगी, आप इसको नॉर्मल घी में भी बना सकते हैं और तेल में भी बना सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं। यहाँ पे मेरा घी गरम हो चुका है, अब मैं इसमें ये सारे साबुत मसाले डालूंगी और इसको 5 से 6 सेकंड के लिए अच्छे से मिक्स कर देंगे घी में, ताकि इसका फ्लेवर अच्छा हो जाए। इसमें जो मैंने प्याज, काजू और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा था, वो इसमें ऐड करेंगे और इसको ऐड करके इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। और इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए और सारे मसाले प्याज में मिक्स ना हो जाए। इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसका हल्का सा लाइट पिंक कलर आने पर इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। प्याज का कलर हल्का सा लाइट पिंक हो गया है, अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी और इसको 3 से 4 सेकंड के लिए प्याज के साथ भून लेंगे। अब इसको 3 से 4 सेकंड के लिए भून लेंगे, ताकि इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से मिक्स हो जाए और उसकी स्मेल ना आए। प्याज को हमें भूनते ही रहना है। इसमें हमने काजू ऐड करे थे, इस वजह से काजू इसके नीचे लग जाएंगे, इसलिए हमें इसको 4 से 5 मिनट के लिए भूनना है अच्छे से। अब मैं इसमें ये सारे मसाले ऐड कर रही हूँ, गरम मसाला, लाल मिर्च और नमक, और इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ा भून लेंगे मसालों को, ताकि इसमें मसालों की स्मेल ना आए। और थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें टमाटर ऐड करेंगे। इसको जब तक भूनना है जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और इसको भी भून लेंगे, और उसके साथ साथ इसमें दही भी ऐड होगी और दही को भी अच्छे से इसके साथ भून लेंगे जब तक टमाटर का पानी ड्राई ना हो जाए। और इसको 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भूनते रहेंगे। और हमें इसी के साथ मलाई भी ऐड करनी है, आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। और उसको फ्राई करते रहना है इसमें जब तक टमाटर का पानी अच्छे से ड्राई ना हो जाए। इसका कलर चेंज हो गया है मलाई और उसके दही से। अब मैं इसमें पनीर ऐड कर रही हूँ, पनीर मैं फ्राई करके ऐड नहीं करूँगी क्योंकि पनीर इसमें फ्राई ऐड नहीं होता है, नॉर्मल ही ऐड करते हैं। और अब मैं इसको पनीर के साथ हल्के हाथ से मिक्स कर देंगे ताकि पनीर टूटे नहीं। और इसको मिक्स करने के बाद इसमें दूध ऐड करेंगे मीडियम फ्लेम पे, इसको मिक्स करेंगे। अगर आपके मसाले नीचे लगने लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिला सकते हैं, ताकि मसाले नीचे ना लगे। इसमें 1 कप दूध ऐड करेंगे इसकी ग्रेवी बनाने के लिए, और दूध को ऐड करने के बाद इसको हाई फ्लेम पे करके चलाते ही रहना है जब तक दूध में एक उबाल ना आ जाए, नहीं तो दूध फटने लगता है अगर हम इसको चलाएंगे नहीं और गैस की फ्लेम लो कर देंगे। तो हाई फ्लेम पे इसको कंटिन्यू चलाना है 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए। अब इसमें एक उबाल आ गया है, अब मैं इसकी फ्लेम को मीडियम करूँगी और ढक के 9 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पे ढक के 9 से 10 मिनट के लिए रख दिया है, और अब 9 से 10 मिनट के बाद इसको एक बार चेक करेंगे कि इसकी ग्रेवी कैसी बनी है। मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है और चलिए देखते हैं कैसा बना है। देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है।
देखिए इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए, आइए चलिए इसको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है और मैंने इसको क्रीम से गार्निश किया है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।